और हाँ, तुम्हें पता है नदीम, उमूद के साथ हर चीज मैंने रिकॉर्ड कर ली और वो सब मेरे फोन में है। जानते हो कि ऐसे नहीं हम घूमते फिरते रहे, मैंने हर चीज कागज पर लिख ली थी जो मैं बचपन से लेकर अब तक अपने बाबा के साथ करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका था। याद है तुम्हें एक लिस्ट के बारे में मैंने बताया था, वही थी। ये तो जबरदस्त आइडिया था। मैं यादें छोड़कर जाना चाहता था बस, ताकि वो मुझे याद रखे। खैर वैसे हम सब कुछ तो नहीं कर पाए, आखिरी वाली रह ही गई। आखिर में वो चीज नहीं रखनी चाहिए जिसे करने की सबसे ज्यादा ख्वाहिश हो। परेशान मत हो, जब तुम ठीक हो जाओगे तो ये सब कुछ दोबारा कर लेना। नदीम छोड़ो, हम दोनों जानते हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसे वीडियोस दिखाते रहना और उसे उसके बाबा को भूलने मत देना। मुझे अभी तक खाना क्यों नहीं दिया? हाँ, क्या मुझे अब भूख से मारना चाहते हो तुम लोग, कातिल कहीं के? दादी माँ। हाँ, चलो एहसास तो हुआ कि मैं तुम्हारी दादी हूँ। एक कमरे में बंद करके रख दिया है मुझे, कोई भी मुझसे बात करने वाला नहीं है वहाँ। बस मुझे खाना देने आते हो और वो दे के चले जाते हो तुम लोग। इंसान हाल अहवाल पूछ लेता है, मुझे अपने घर चाय पे तो बुला सकती हूँ ना? क्या मैं इस बात की भी मुस्तहिक नहीं रही? बिल्कुल नहीं, खाना भी सिर्फ जिहान की वजह से मिलता है, उससे मैंने वादा किया था, वरना आप इसकी भी मुस्तहिक नहीं थी। आपने जो किया है उसको भुला नहीं पाई हूँ अब तक मैं, आपका चेहरा भी देखना गवारा नहीं समझती मैं। वाह भाई वाह, बातें तो सुनो तुम्हारी, बुजुर्गों की इज्जत का तो जमाना ही नहीं रहा। शुक्रगुजार होने के बजाय शिकायतें कर रही हैं आप, बेहतर होगा चुप हो जाएं और चली जाएं यहाँ से। देखें अगर एक लफ्ज भी मुँह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए करो। जालिम हो तुम लोग, जालिम, जरा भी लिहाज और शर्म नहीं है तुम लोगों में। अल्लाह की लानत हो तुम लोगों पर, लानत। तो नर्स कैसी है बता, कॉल करते हो उसे? मुझे कोई खबर नहीं उनकी, वो लोग अंताकिया में है। नदीम, उमूद को एक फैमिली चाहिए। मैं चाहता हूं उसका खूबसूरत और खुशगवार बचपन गुजरे। जो कि हम दोनों के हिस्से में नहीं था। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मायूसियों का शिकार हो, सिर्फ तुम्हें, सिर्फ तुम ही उसे ही दे सकते हो। ठीक है, तुम और जैमरे तुम लोग उसका ख्याल रखना, ठीक है ना? मैं ये बात जानता हूं कि तुमने मेरी वजह से जैमरे को छोड़ दिया, रुखसती के वक्त तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे तुम मुझे। कभी नहीं सोचा था कि तुमसे यह कहना पड़ेगा। जाओ, हाथ थाम लो उसका। नहीं नहीं, अच्छी फैमिली बनाओ नदीम, उमूद की खातिर ही कर लो। हमने बाप बनना एक बेहतरीन आदमी से सीखा है, तुम ये जानते हो ना?
मेरा बेटा भी खुशकिस्मत है, उसे हर चीज तुम सिखाओगे। इसी वजह से सुकून में रहूंगा मैं नाथियो, आसानी से जा सकता हूं मैं यहां से। ऐसा मत कहो जान, ऐसा मत कहो, तुम हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, ऐसा मत कहो। अगर मेरे बस में होता तो इस बार मैं रुक जाता नदी, छोड़कर कभी ना जाता। मेरे भाई, अम्मी आपको कुछ चाहिए बाहर से? आ रही हूँ मैं बेटा, आ रही हूँ। हाँ इसे अपने पास रखो, ये चीजें ले दिया। ठीक है मैं ले आऊंगी, फिक्र मत कीजिएगा, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। आती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह अपनी ज़ुबान में रखे। जैमरे, नदीम जैमरे बेटा, तुम्हारा फोन। नदीम खैरियत होगी इंशाल्लाह। जान जान अब नहीं रहा, वो इस दुनिया से चला गया। मेरे अंकल के पास चला गया। सब तैयार है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और अब जबकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब मैं आपके साथ नहीं, लेकिन दुखी नहीं हूं। मेरा मतलब है बिल्कुल भी फिक्र मत करें, वैसे भी आप सभी जानते हैं कि मैं किसी खूबसूरत जगह पर जा चुका हूंगा, तो रोने धोने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं मैं आप सबको फर्दन फर्दन खुदा हाफिज नहीं कह सका। वैसे अच्छा ही हुआ क्योंकि खुदा हाफिज कहने से नफरत है मुझे, और यह हकीकत है। खैर यही वजह है कि मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए। नौरीन, नफीस खातून, आपसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी परवरिश में बहुत हाथ रहा है आपका। मैं नहीं जानता आपने जो कुछ भी किया उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं। आपका सब्र, आपकी हमदर्दी, शफकत, मुझे उम्मीद है एक दिन आपके पास आपका अपना नवासा होगा और बहुत खुश होगी। समझ गए ना? अरे लड़की, ऊपर से देखता रहूंगा,
आप दोनों से मुझे बहुत प्यार है, दोनों बस खुश रहें हमेशा। सहर साहिबा, जानता हूं कोई अच्छे तालुकात नहीं रहे हमारे, आप शायद इस बात से बेखबर रही हैं। वो ये कि मेरी जिंदगी में आपका एक मकाम है। मैं तो कई सालों तक ऐसी औरत को मां कहता रहा जो मां कहलाने के लायक भी नहीं थी। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने तो आपसे मिलने के बाद ममता के बारे में जाना। आप एक ऐसी सच्ची मां हैं जिसे मैं जानता था, एक ऐसी मां जो अपने बच्चों की हिफाजत करती है, उन्हें सही गलत का बताती है। आप एक खूबसूरत मां है, आप जानती हैं। मेरा बेटा बहुत ही खुशनसीब है जिसकी ऐसी खूबसूरत नानी है। खुश रहिए हमेशा सहर साहिबा। अलावा किसी को तुम्हें छूने की इजाजत नहीं दे सकता, सिर्फ मेरी बीवी बनोगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, किसी सूरत तुमसे शादी नहीं करूंगी। फिक्रत करा किया। रायमा, प्यारी बहन, भाई, बहुत प्यारी बहन हो तुम मेरी। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, क्योंकि मैं बिल्कुल खामोशी से चला गया तुम्हें बताए बगैर। लेकिन तुम तो जानती हो ना मुझे, वाकिफ हो तुम मुझसे और मुझे अच्छी तरह समझ सकती हो, बहुत करीब हो तुम मेरे। गुस्सा मत करना, तुमसे बहुत प्यार है। हाँ, और वो जानती हो ना उस प्यार के मामले में जिसके बारे में हमने बात की थी, हाँ, कितनी अनजान बन गई थी उस वक्त। मैंने भी अनसुनान देखा कर दिया था, लेकिन चलो होता है, मुझे मसला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस तुम खुश रहो, बस मेरी दुआ है हमेशा खुश रहो। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरी बहन, बहुत चाहता हूं तुम्हें। तो कैसा है अजीम आशिकों का जोड़ा नदीम और जमरे? क्या बात है आप दोनों की, खुशकिस्मत निकले। हाँ, शुक्र करो मुझसे जान छूट गई। वैसे एक बात कहूं, अगर मैं ना होता तो तुम दोनों के प्यार में इतनी शिद्दत ना होती। मजाक एक तरफ, मेरी गैर मौजूदगी में तुम पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी। नदीम, तुम जानते हो मेरा बचपन अच्छा नहीं गुजरा था, लेकिन मेरे बेटे का अच्छा गुजरेगा तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं अपने बेटे को ऐसे दो लोगों के हवाले करके जा रहा हूं जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। कितना खुशकिस्मत है, ये मुझसे और नदीम से भी ज्यादा खुशकिस्मत है। बस यही कुछ कहना था मुझे। वैसे भी मुझे याद रखना, कभी भुला मत देना, ऐसी बातें करके आपको बेजार नहीं करना चाहता। देखा जाए तो मुमकिन भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम लोगों ने भुला दिया तो रातों को ख्वाबों में आऊंगा मैं और बहुत डराऊंगा, याद रखना। मैं हम सबसे बहुत प्यार करता हूं, ख्याल रखिएगा। Oh
क्या मैं बदसूरत हूं? नहीं, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम जैसा और कोई नहीं इस दुनिया में। किरण, बहस नहीं करो मुझसे, चलो मेरे साथ। किरण नहीं कही, किरण कराचाई कही है मुझे। एक लफ्ज भी और मत कहना, समझी? इस जोड़े के साथ तुम्हें भी जला दूंगी। फेंको इस निकानामे को, नहीं हुई तुम्हारी कोई शादी। मैंने बहुत याद किया आपको। कदर किया करो मेरी, सिर्फ एक ही भाई हूं तुम्हारा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं बाबा, मैं इस पूरी दुनिया में किसी और का नहीं, सिर्फ आपका बेटा हूं बाबा। मुझे फख्र है आपका बेटा होने पर। तो सब खत्म हुआ? बीनेश, चलो मेरी बच्ची। चलिए अम्मी, मैं आ गई, चलते हैं। चलो। जिस चीज से आपको खास लगाव होता है, उसे परवान चढ़ते हुए देखकर बहुत खुशी होती है, एक सुकून मिलता है। लेकिन उसके लिए इंसान को जिम्मेदार बनना पड़ता है, हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि नजरअंदाज करने के नतीजे में मुरझा भी सकता है, औलाद भी बिल्कुल पौधे की तरह होती है। उसे हर धूप हर बारिश से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसे नहीं बचाया जाए तो वो बर्बाद हो सकती है, सालों की मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। तैयार है, हाथ धो लो अपने। देखो कौन आया। बाबा आ गए। ये बताओ कि किसने याद किया था मुझे? मेरे शहजादे। चलो आ जाओ मेरी गोद में। खुशामदीद। आज किसकी सालगिरह? मेरी। अपनी सालगिरह याद है तुम्हें? जी बिल्कुल। हाँ, और तुम? मैं मोमबत्ती बुझाऊंगा। ओह, लेकिन मेरी जान, सालगिरह तो भाई की है, तो मोमबत्ती तो यही बुझाएंगे। क्या ये मेरे लिए लाए हैं? इसे खोल सकता हूँ मैं? नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सबर करो। चलो ऐसा करो, तुम लोग अंदर चलो। चलो शाबाश, चलो, चलो अंदर, चलो 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 चलो। अगर कहूँ मैंने ज्यादा याद किया था तो? हाँ ठीक है फिर। मेरी जान, हमने सब कुछ संभाल लिया,
सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। काश कि तुम भी यहाँ पर होते। खैर जब तुम आओगे तो देख लेना। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। ठीक है, अपना ख्याल रखना मेरी जान। बाय बाय। जिहान, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम नहीं आ सकते। ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे याद करो और मैं ना आऊं? मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तुम वाकई पागल हो। बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। खूबसूरत है ना ये? क्या कहूं मैं तुमसे, मुझे तुम पे बहुत फख्र है। चलो। कहाँ? मैं यहाँ ये दो छोटे पौधे लगाना चाहता हूँ, एक आगा साहब की तरफ से और एक जान की तरफ से। अगर आज तुम मेरे साथ ना होते तो मैं ये ना कर पाती। क्या मतलब है? हाँ, अगर मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करता तब भी तुम ये सब कुछ कर लेती, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बहुत खूबसूरत है ना ये? तुम जो भी करती हो शानदार होता है मेरी खूबसूरत बेगम। तुम्हारे भाई और बाबा को भी तुम पर मेरी तरह फख्र होगा। मुझसे जो भी हो सका मैंने किया, उनके लिए इतना तो कम से कम कर सकती थी ना मैं। इससे ज्यादा तुम और क्या करती? चलो एक काम करते हैं, इन पौधों को जमीन में लगाते हैं। हाँ चलो लगाते हैं। कहाँ लगाए इन्हें? वहाँ, वहाँ से। हाँ, मेरे ख्याल से वहाँ ठीक है। चलो अच्छा। मैं अपने अलावा किसी को तुम्हें छूने की इजाजत नहीं दे सकता, सिर्फ मेरी बीवी बनोगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, किसी सूरत तुमसे शादी नहीं करूंगी। फिक्रत करा किया। मैंने किचन साफ कर लिया निर्माण आंटी। देखिए मैं आपके लिए फल लाई हूँ, आप खा लीजिएगा, ठीक है? ये खाने वाने की बातें छोड़ो, तुम बैठो मेरे पास। तो तुमने क्या किया? हाँ, जो मैंने कहा सोचा इस बारे में? मैंने सोचा था इस बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर सकती। तुम क्यों नहीं कर सकती बेटा, ये तो बहुत आसान है। तुम्हारी माँ उस घर में काम करती है ना, बोलो तो तुम उनसे मिलने के लिए उनके घर पे चली जाओ और उस घर के मालिक का जो बेटा है ना, हो उसके साथ अपने ताल्लुकात बना लो। लेकिन अम्मी बहुत नाराज होंगी ये सब जानकर। अपनी माँ की फिक्र तुम छोड़ दो लड़की, हसीन हो, खूबसूरत हो तुम, क्या एक आलीशान जिंदगी गुजारने का हक नहीं है तुम्हारा? क्या चाहती है तुम? क्या उसी घर में अपनी माँ की तरह उनके लिए काम करती रहोगी हमेशा? क्या यूं ही गुर्बत में जिंदगी गुजारोगी? मुझे इतना तो यकीन है ये सब कुछ नहीं कर सकती मैं। मैं भी तो यही समझा रही हूँ मेरी बच्ची, बहुत आसान है, तुम भी समझ रही हो इस बात को। काश कि मैं तुम्हारी तरह हसीन और जवान होती तो उसका मैं भरपूर फायदा उठाती। मेरी बच्ची मर्द हुस्न परस्त होते हैं, हुस्न परस्त, और तुम हसीन हो। अगर वो तुम्हारा गिरविदा हो गया तो तुमसे शादी कर लेगा। ओहो, फिर तो तुम्हारे वाले नियारे हो जाएंगे, ऐशो इशरत में जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी, हर कोई तुम्हारे इशारों पे नाचेगा। हाँ, एक बात तो बताओ, सब कुछ मिल जाने के बाद मेरा ख्याल तो रखोगी ना तुम? नरीमान आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम तो बिल्कुल मेरी किरण जैसी निकली। क्या मतलब? हाय, मेरा मतलब है तुम मेरी मरहूम पोती की तरह बहुत ही खूबसूरत, हसीन और समझदार हो बेटा। हैप्पी बर्थडे फूफो की जान। सालगिरह मुबारक हो मेरे शेर, चलो जल्दी से फूंक मार दो। परवरदिगार इस घर पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। सालगिरह बहुत मुबारक हो। 7 साल का हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ मैं। हाँ बिल्कुल मेरी जान, 7 साल के हो गए तुम, अब बड़े हो गए हो। चलो भाई को सालगिरह की मुबारकबाद दो। सालगिरह मुबारक हो। तो मुझे लगता है आपको केक अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं ही कहा जाता हूँ। नहीं, मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। इस घर की बड़ी मैं हूँ तो मैं केक काट के दूंगी, ठीक है? क्या मैं अब अपना तोहफा खोल सकता हूँ अंकल? थोड़ी देर रुक जाओ, अभी खोलते हैं।
हर बात सोच रखी है मैंने। रात गए उनके घर में दाखिल हो जाना तुम, और फौरन उसके कमरे में चली जाना, और फिर तुम्हें आगे क्या करना है ये मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया है, समझ गई ना? और उसके बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देना, हाँ मुझे बचाओ इससे, ये तुमने क्या कर दिया, छोड़ो मुझे छोड़ो, और फिर वो मजबूर होकर तुमसे शादी करने का। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी ना? बस कर दे निर्माण अम्मी, हम इन चीजों से गुजर चुके हैं। मेरी बेटी मर गई इस वजह से, क्या उस सब से भी आपने कोई सबक हासिल नहीं किया? मैं तो बस मशवरा दे रही हूँ, मशवरा। आपसे चाहे कुछ भी कह लो, आप नहीं सुनेंगे। बेटा अगर तुम में अकल है तो इनकी बातों पर जरा भी ध्यान मत देना, अगर मेरी बात की जरा भी अहमियत है तो यहाँ आइंदा फिर मत आना, इनके साए से भी दूर रहना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम और तुम्हारा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा, तुम्हें अभी से बता रही हूँ। ये फिर से पागल हो गई है और फजूल बकवास किए जा रही है, इसकी बातों में मत आना। चले निर्माण आंटी, अब मैं चलती हूँ, और आप अपने लिए किसी और को ढूंढ लें, मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। बेटा, बेटा कहाँ जा रही है, तुम बात तो सुनो, यहाँ आओ तुम्हारे फायदे की बात है। अलमास, तुम ये ना मानकर बेवकूफी करोगी। सहर, सहर, या अल्लाह मदद फरमा। बाबा। उमुद, मेरे बेटे, तुम्हें तुम्हारी सालगिरह बहुत मुबारक हो। तुम ये वीडियो देख रहे होगे, ये सोचकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। 7 साल के हो गए हो? हाँ, 7 साल के। क्या तुम जानते हो 7 साल का क्या मतलब होता है? हाँ, इसका मतलब है कि अब तुम बड़े और समझदार हो गए हो। तुम सोच रहे होगे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? देखो मैं यहां हूं इस वक्त। देखा, तुम भी यही हो। देखो बात यह है कि मुझे और तुम्हारी अम्मी को कुछ वजूहात की बिना पर तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा जो हमारे इख्तियार में नहीं थी। हम अगर तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं, हम लोग वो भी हर रोज, तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम दोनों, तुम ये बात कभी मत भूलना। ये कभी मत सोचना कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। कोई नजरों से दूर हो तो हमारे दिल में रहता है, हमारे अंदर रहता है, पास होता है हमारे। उमुद, उमुद, हमारे जबरदस्त ट्रिप के पहले दिन की तरफ से हेलो। अपने बाबा को देखा तुमने? तो हाँ मेरे छोटे शेर। देखो बिल्कुल तुम हो। हमारा ट्रिप खत्म होने वाला ही है, बस आखिरी जगह रह गई। Thank you.
बेटा शेर, यकीन करो बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ। मैंने अपने बाबा से कई बार कहा था कि मुझे अपने साथ इन जगहों पर ले चलें, हम साथ एंजॉय करेंगे, लेकिन शायद तुम्हारे साथ ही लिखा था किस्मत में। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे लगता है तुम थक गए हो, थोड़ी सी देर और, बस आखिरी चीज रह गई है, आखिरी चीज, और फिर हमारा ये ट्रिप खत्म हो जाएगा। ये मत भूलना बहुत प्यार करता हूं तुमसे। बंद क्यों हो गया ये? अभी आखिरी चीज के बारे में बाबा बता रहे थे, वो क्या थी? अब वक्त हो गया है मेरी जान, अब तुम अपने तहाइफ खोल सकते हो। ये लो। चलो खोलो इसे। तो तैयार हो तुम? जी बिल्कुल। अरे वाह, ये तो पतंग है। ये तुम्हारे बाबा ने बनाई थी तुम्हारे लिए, यही वो आखिरी चीज है। चलो आ जाओ। चले हम भी? चलो आ जाओ, उठो। अंकल, अगर मैं पतंग को ऊंचा उड़ाऊंगा तो बाबा इसे देख सकेंगे? बिल्कुल देख पाएंगे। वो ये देखकर खुश हो जाएंगे ना? बहुत ज्यादा। तो चले उड़ाते हैं इसे साथ मिलकर। चलो ठीक है।